ग्वालियर में सीजेएम कोर्ट ने ग्वालियर चंबल अंचल के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बिरला हॉस्पिटल के मुख्य ट्रस्टी गोविंद देवड़ा और सीईओ वेद प्रकाश पांडे के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश जज की पत्नी के जेवर हड़पने के मामले में दिए गए हैं। दरअसल कोविड के दौरान रिटायर्ड जज की पत्नी सरला तोमर को 19 अप्रैल 2021 को बिरला अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके बाद 29 अप्रैल को कोविड से उनकी मौत हो गई थी। खास बात यह थी कि जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था तब वे सोने हीरे के जेवरात पहने हुए थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद उन्हें अस्पताल प्रबंधन ने जेवरात वापस नहीं किए। इसको लेकर उपभोक्ता फोरम के जज ने गोला का मंदिर थाना पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इस केस में खात्मा रिपोर्ट लगा दी थी। इसके बाद फरियादी ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर अब बिरला हॉस्पिटल प्रबंधन के विरुद्ध अमानत में खयानत का मामला हॉस्पिटल के मुख्य ट्रस्टी गोविंद देवड़ा, सीईओ वेद प्रकाश पांडे के विरुद्ध चलेगा। गौरतलब है कि शिवपुरी के उपभोक्ता फोरम द्वारा इसी मामले में अस्पताल प्रबंधन पर 12 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश भी पूर्व में दिया जा चुका है। वहीं क्रिमिनल केस की सुनवाई में सीजेएम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। गोलाक मंदिर थाना क्षेत्र में बीआईएमआर हॉस्पिटल है, जो कि ग्वालियर क्षेत्र का बड़ा हॉस्पिटल है। कोविड के समय श्रीमती सरला तोमर, जो कि जज साहब की पत्नी थी, हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। जब भर्ती हुई थी उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक था, सिर्फ चेकिंग कराने गई थी तो जेवर वगैरह पहने हुए थी कुछ। उस जेवर के बाद उनको वहाँ भर्ती कर लिया गया, उस दौरान बेहोश हुई, वेंटिलेटर लगाया गया और उनकी डेथ हो गई। तो उनके जो जेवर थे वहाँ के जो कार्यकर्ता लोग थे उनके द्वारा चुरा लिए गए थे या उतार लिए गए थे, जो वापस नहीं किए गए, और बैग दे दिया था कि ये इसमें हमने रख दिए गए। जब घर पे आकर देखा तो उसमें जेवर नहीं मिले। इस संबंध में पुलिस थाना गोलेगंज में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अस्पताल को बचाते हुए खात्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसमें फरियादी पक्ष, जो कि उनके पति और बेटे थे, न्यायालय में आपत्ति की थी। न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध धारा 406 और 120 का अपराध पाते हुए पुलिस को अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। कि लगभग 2.5 लाख का गोल्ड जो पहने हुई थी, जो सोने की एक अंगूठी थी, वो अंगूठी चूँकि अस्पताल में पहन के भर्ती हुई थी, ये पाया गया कि वो पहने हुए थी, मृत्यु के बाद वो वापस नहीं की गई। इसको कोर्ट ने लिया इस बात को देखते हुए कि आपको अस्पताल की जिम्मेदारी थी प्रबंधन की, कि यदि आप, जबकि अटेंडर उस समय साथ में अलाउ ही नहीं थे कोविड टाइम पे, तो उनके जेवरों की, सामान की सुरक्षा करते और वापस करते। वापस न करना एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मानते हुए धारा के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें गोविंद देवड़ा जी जो प्रबंधक हैं और कार्यपालन अधिकारी वेद प्रकाश पांडे के विरुद्ध मामला चालान पेश करने के लिए कहा गया है।